हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? क्लास 8 के लिए हम एक फिजिक्स का एक टॉपिक पर कल एक वीडियो आपको सबमिट किए थे, फोर्स एंड प्रेशर को लेकर। फोर्स एंड प्रेशर में कल आपको जो बेसिक फैक्ट्स हैं उसके बारे में हम आपको कल बताए थे कि फोर्स एंड प्रेशर के बेसिक फैक्ट्स क्या हैं, जिसमें आपको हम उसको एक बार जल्दी से कवर अप कर लेते हैं। फोर्स एंड प्रेशर में सबसे पहले बात किया था हमने कल फोर्स का, और फोर्स के बारे में एक बात आपको हम बताया थी कि फोर्स एक एफर्ट होता है, एक ऐसा एफर्ट जिसमें कोई बॉडी की जो स्टेट ऑफ मोशन होती है उसको हम लोग बदलने की कोशिश करते हैं या बदल देते हैं। फोर्स इज एन एफर्ट दैट ट्राई टू चेंज और चेंज ऑफ स्टेट ऑफ ए मोशन। और स्टेट ऑफ मोशन दो टाइप के होते हैं, इसके बारे में हमको बताया था, रेस्ट और मोशन। कोई बॉडी को रेस्ट से मोशन में और मोशन को से रेस्ट में लाने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं उसी एफर्ट को हम लोग कहते हैं फोर्स। फोर्स का ऐसा यूनिट सिंपली न्यूटन होता है, या उसको अगर हम लोग डिफाइन किए थे कल, एफ इक्वल टू होता क्या है, एम ए, यानी फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और इस वजह से मास का यूनिट केजी और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट व्हाई फोर्स का यूनिट हो जाता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम लोग 1 न्यूटन कहते हैं, या सिंपली 1 न्यूटन। इतने अमाउंट ऑफ फोर्स को 1 न्यूटन कहते हैं। कल आपको हम ये बताए थे कि 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फोर्स जो होगा, दैट मींस 1 न्यूटन का जो फोर्स होगा वो कितना फोर्स होगा। तो अगर एक बॉडी पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं 1 न्यूटन का, तो 1 न्यूटन के फोर्स का मतलब क्या है कि किसी 1 केजी के ऑब्जेक्ट को 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करवा दें, तब जितना फोर्स उस कंडीशन में लगाना होगा उस बॉडी पर वह अमाउंट ऑफ फोर्स कहलाएगा 1 न्यूटन। इसके फर्दर हम लोग दो टॉपिक पर बात किए थे, एक था वेट और दूसरा था मास। आपको बताया था कि वेट एक्चुअली क्या है, कि जो भी मास बॉडी है, जो भी पार्टिकल्स बॉडी हैं जिसके पास मास होते हैं उसको अर्थ अपनी तरफ एक फोर्स के साथ खींचती है, जिसको हम लोग ग्रेविटेशनल पुल कह सकते हैं। उस फोर्स के साथ, अब जिस फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचती है उसी अमाउंट ऑफ फोर्स को हम लोग कहते हैं वेट। वेट का दो यूनिट होता है, केजीएफ होता है किलोग्राम फोर्स, और दूसरा न्यूटन होता है। दो यूनिट होते हैं वेट के। जनरली वेट को हम लोग न्यूटन में मेजर करते हैं, क्योंकि फोर्स का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन है, और वेट भी क्या है, फोर्स ही है। वेट भी एक फोर्स ही है जो लगा रहा है अर्थ टुवार्ड्स द एनी ऑब्जेक्ट टू अट्रैक्ट टुवार्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ। अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स एग्जर्ट करता है कोई भी मास बॉडी पर अर्थ, वह फोर्स कहलाता है वेट। वेट का जो फॉर्मूला होता है वो आपको कल हमने बताया था कि वेट इक्वल टू होता क्या है, एमजी। एमजी का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ द बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसका वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यह चेंज करता है अर्थ के भी अलग अलग लोकेशन पर, यह चेंज करता है, यह जीरो भी हो सकता है किसी खास परिस्थिति में, अगर अर्थ के सरफेस से बहुत दूर ले जाए तो वहां से जीरो भी हो सकता है। उस केस में, जिस केस में जी का वैल्यू जीरो हो जाएगा, तो वेट भी वहां पर क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। हम एक बात बोलते हैं कि जो मून पर अगर कोई वेट, यहां से अगर कोई, यहां का जो जी है यानी जी ऑन अर्थ और जी ऑन मून, वो सिक्स्थ भाग होता है, यानी 6 भाग कम होता है। इसी वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट का जो मास है वो अर्थ पर 60 केजी है, वह वहां पर जाकर उसकी वेट जो होती है वो घट जाती है, 1/6 टाइम्स डिक्रीज कर जाता है। तो उसकी वजह होती है कि जी के वैल्यू में बदलाव आते हैं, तो वेट बदल सकता है। बट मास क्या है, मास क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन ऑन ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट में जितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है उसी क्वांटिटी ऑफ मैटर को हम लोग बोलते हैं क्या, मास। सो मास नेवर बी चेंज, मास नेवर बी जीरो, मास ऑलवेज ऑलवेज बी कांस्टेंट ऑन द एनी सरफेस एनी प्लेस ऑन द यूनिवर्स। बट वेट मे बी जीरो, वेट कैन बी वैरी फ्रॉम द अदर प्लेसेस, सम अदर प्लेसेस द वेट मे बी वैरी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू चेंज इन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से वेट में वेरिएशन आते हैं, उसके वैल्यू में वेरिएशन आते हैं, और तब इस मास और वेट में बेसिक डिफरेंस आपको ये बताया। दूसरा ऑप्शन ने कल बात किया था टाइप्स ऑफ फोर्स पर। टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में आपको दो टाइप की कैटेगराइजेशन हमने किया था, एक था कॉन्टैक्ट फोर्स और एक दूसरा था नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है, जब हम किसी बॉडी के कॉन्टैक्ट में आकर तब उस पर कोई फोर्स अगर एग्जर्ट करते हैं
तो उस टाइप ऑफ फोर्स को हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स है। अगर हम अपने मसल से किसी चीज को पुश करना चाहते हैं, किसी मसल से किसी चीज को उठाना चाहते हैं, तो उस केस में हमें अरे मसल्स को उस ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आना पड़ता है, तब हमारी फोर्स लगती है। दूर से हम फोर्स लगाकर किसी चीज को मूव नहीं कर सकते हैं, तो दैट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपको बताए थे कि फ्रिक्शन एक प्रॉपर्टीज होता है सर्फेस का। सर्फेस जनरली दो टाइप के होते हैं, रफ सर्फेस और स्मूथ सर्फेस। रफ सर्फेस हो या स्मूथ सर्फेस हो, सबके पास फ्रिक्शन होती है। हाँ, ये बात सही है कि रफ सर्फेस के पास फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा एग्जर्ट होती है, जबकि जो स्मूथ सर्फेसेज होते हैं उस स्मूथ सर्फेसेज में लेस फ्रिक्शन फोर्स कम करते हैं। तो फ्रिक्शन मेनली जो है आपका, फ्रिक्शन एक टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। जब हम किसी सर्फेस पर मूव करते हैं तो व्यक्ति के मोशन के अपोजिट दिशा में एक, या किसी ऑब्जेक्ट को भी अगर मूव कर रहे हैं, बॉल अगर रोल कर रहा है, एक बॉक्स अगर मूव कर रहा है, गाड़ी चल रही है, ऑल द थिंग्स विच आर रोलिंग मूविंग ओवर द सर्फेस ऑफ अर्थ और द ओवर ऑफ सर्फेस ऑफ एनी सर्फेस, एनी टाइप ऑफ द सर्फेस, वह सर्फेस उस ऑब्जेक्ट के मोशन के विपरीत दिशा में फोर्स लगाती है, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, फ्रिक्शन फोर्स। सो फ्रिक्शन फोर्स भी तभी काम करेगा जब किसी सरफेस के कांटेक्ट में आएंगे, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा है नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्स में तीन कैटेगरी आपको बताए थे, पहला था ग्रेविटेशनल फोर्स, ये तीनों फंडामेंटल फोर्स भी कहलाते हैं, चौथा इसमें फंडामेंटल फोर्स चार होते हैं, इसमें चौथा फंडामेंटल फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, जिसके बारे में अर्लियर आप पढ़ेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, ग्रेविटी के कारण अभी आपको बताया है कि वेट, वेट क्यों प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अर्थ के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ग्रेविटी, और ग्रेविटी के कारण अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पर एक फोर्स एग्जर्ट कर रहा है अर्थ, जिसको हम लोग कह रहे हैं ग्रेविटेशनल पुल। उसी वह जो पुल है, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट, अर्थ अट्रैक्ट एनी ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, और जिस फोर्स के साथ अट्रैक्ट करते हैं उस फोर्स को हम लोग कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। अगेन द मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि मैग्नेट किसी खास सब्सटेंस जैसे आयरन के नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का क्षमता रखता है। उस केस में अगर वह आयरन के नेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है बिना उसके कॉन्टैक्ट में आए हुए, इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के बिना कॉन्टैक्ट में आए हुए भी वह उस पर अपना फोर्स का जो एफर्ट है वो एग्जर्ट कर पा रहा है, इसलिए मैग्नेटिक फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तीसरा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कल आपके बारे में, इस कल के वीडियो में हम इसके बारे में एलिब्रेट किए हुए हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, और उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में कहते हैं दो चार्ज बॉडी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन काम करता है, उस फोर्स ऑफ रिपल्शन को या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, दैट वर्क टुवर्ड्स और द वर्क्स बिटवीन द टू चार्ज बॉडी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो इतना मेजरली हम लोग कल इस टॉपिक्स पर हमने इस चैप्टर में बात किया था, तो चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है, इसमें फ्रिक्शन जो है स्पेशली आपको पढ़ना है, दोबारा पार्ट में फ्रिक्शन आपको एक चैप्टर के तौर पर पढ़ना है। उसमें टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन हम लोग पढ़ेंगे, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन भी होते हैं, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होते हैं, तो उन फ्रिक्शन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। फ्रिक्शन हम लोग घटाने के लिए, फ्रिक्शन को कम करने के लिए क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ करना होता है। जैसे आपकी गाड़ी में जो मूविंग पार्ट्स होते हैं वहां पर हम लोग एक टाइप का लुब्रिकेंट्स ऑयल का उपयोग करते हैं, ताकि उन मशीन के उन पार्ट्स पर कम फ्रिक्शन काम करे, या ग्रीसिंग करते हैं ताकि उन मशीन का फ्रिक्शन रिड्यूस हो, तब वह पार्ट्स आपके लंबे समय तक वर्क करते हैं, नहीं तो वह पार्ट जल्दी ही घिस कर फ्रिक्शन की वजह से और खराब हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन में हीट भी प्रोड्यूस होता है, और हीट के कारण उस ऑब्जेक्ट का धीरे धीरे ऊपरी सतह खत्म होने लगता है और वह पार्ट्स आपका एक दिन खराब हो जाता है। देन वी नीड टू रिप्लेस द न्यू पार्ट्स ऑफ दैट मशीन, उस पार्ट का आपको नया मशीन की जगह पर आपको उपयोग करना होगा। अब देखिए दूसरा टॉपिक है वो है प्रेशर। प्रेशर क्या होता है इसको समझिए, प्रेशर भी एक टाइप का फोर्स है, लेकिन वह फोर्स है जो एग्जर्ट होता है किसी निश्चित एरिया में। अगर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम एक फोर्स लगा रहे हैं हथौड़े से, किसी भी चीज से एक फोर्स इस पर हम एग्जर्ट कर रहे हैं, तो अगर ये 10 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है और इस पर हम 10 न्यूटन का एक फोर्स लगा रहे हैं, तो इस ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया में, एक मीटर स्क्वायर एरिया में, प्रत्येक 1 मीटर स्क्वायर एरिया में अगर हम इसको बांट दें, 10 मीटर स्क्वायर को 10 अलग अलग सिंगल यूनिट में बांट दें, तो प्रत्येक 1 मीटर स्क्वायर पर, यूनिट एरिया पर,
जितना फोर्स एग्जर्ट हुआ उस फोर्स को, उस अमाउंट ऑफ फोर्स को, जितना कि यूनिट एरिया पर एफर्ट लगा, उस यूनिट एरिया के फोर्स को हम लोग कहते हैं क्या, प्रेशर। यानी प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया। जितना फोर्स हमने एग्जर्ट किया और जितने एरिया पर किया, उसी के रेशियो को हम लोग बोलते हैं प्रेशर। प्रेशर को जनरली हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और इससे पी इक्वल टू हो जाता है एफ बाई ए। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं पास्कल, और सो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। पास्कल वाज अ साइंटिस्ट, पास्कल वाज अ फिजिसिस्ट हु गिवन द मेनी कांसेप्ट अबाउट द प्रेशर, प्रेशर एग्जर्टेड बाय लिक्विड्स, प्रेशर एग्जर्टेड बाय गैसेस। इन दिस कंडीशंस दे एक्सप्लेन द बेटर कांसेप्ट एंड मिथोलॉजी अबाउट द प्रेशर एंड अबाउट द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द ऑल थ्री स्टेट ऑफ द मैटर। और इसीलिए पास्कल के ऑनर में उनके न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट को उनके नाम से लिखा जाता है पास्कल। यानी पास्कल ऐसा यूनिट है किसका, प्रेशर का, जैसे न्यूटन था ऐसा यूनिट फोर्स का। अब देखिए अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, और वो जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं उनकी डायरेक्शंस क्या क्या हो सकती है। अगर आप एक सॉलिड को देखें, तो सॉलिड को अगर कहीं आप रखे हुए हैं, तो सॉलिड जो प्रेशर लगाएगा, अगर एक ये सॉलिड है तो वह प्रेशर सिर्फ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाता है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो प्रेशर होता है वह फोर्स प्रोड्यूस कहां से होता है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल पुल काम कर रहा है, इसलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में सॉलिड एक प्रेशर को एग्जर्ट करती है। दूसरा है लिक्विड को अगर ले लिया, तो लिक्विड अगर कोई लिक्विड है तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, साथ ही साथ अपने वॉल ऑफ कंटेनर, जिस कंटेनर में आपने उसको रखा है उसके वाल पर, दोनों ही तरफ के वाल पर, जितने वहां जहां तक उसके कॉलम है उतने कॉलम तक वह अपने प्रॉपर दोनों साइड के वाल और डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर को एग्जर्ट करता है। और लास्ट है आपका गैसेज। गैसेज चूंकि उसके पार्टिकल्स की आप देख रहे हैं कि उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी होता है, और काइनेटिक एनर्जी होने के कारण उसके पार्टिकल्स मूविंग होते हैं विद इन अ कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको हमने रखा है उस कंटेनर के अंदर ही वो पूरे चारों तरफ मूविंग कंडीशन में होते हैं, और लगातार वो अंदर के इनर वॉल पर हमला करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करते हैं। इस वजह से इनका जो प्रेशर होता है उनका प्रेशर साइड में भी लगता है, डाउनवर्ड भी लगता है, एंड इनका प्रेशर अपवर्ड भी लगता है। तो गैसेज का जो प्रेशर है वो चारों हर दिशा में लगता है, लिक्विड का जो प्रेशर है वो दो दिशाओं में साइड एंड डाउनवर्ड, एंड सॉलिड का जो प्रेशर है वो केवल केवल डाउनवर्ड में लगता है। तो प्रेशर एग्जर्ट्स हर कोई करते हैं, प्रेशर लिक्विड्स भी एग्जर्ट करता है, प्रेशर सॉलिड भी एग्जर्ट करता है, और प्रेशर लिक्विड्स भी एग्जर्ट करते हैं, लेकिन सबके डायरेक्शनल अलग अलग है। एक चीज और है, अगर किसी एक कंटेनर में हमने वाटर पैक कर दिया और इसमें दो हमने लगा दिए अलग अलग जगह पर वाटर डिस्पेंसर, यहां से जो पानी गिरेगा और जो यहां से पानी गिरेगा उस दोनों के डिस्टेंस में अगर ये पूरा डी है, ये डी वन है, तो ये यहां का जो पहले वाला डिस्पेंसर से जो पानी निकलेगा और जो दूसरे वाले डिस्पेंसर से पानी निकलेगी, इस वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा और इस वाटर का जो डिस्प्लेसमेंट होगा दोनों में डिफरेंस होंगे, और नीचे वाला जो वाटर डिस्पेंसर है वह ज्यादा पानी डिस्प्लेस करेगा, ज्यादा डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा, जबकि ऊपर वाले का कम करेगा। इसकी एक वजह यह भी है कि अगर किसी कंटेनर में अगर हमने एक लिक्विड को रखा है तो यह लिक्विड के ऊपर जो कॉलम बने हुए हैं, यानी उसके ऊपर जितने भी कॉलम बने हुए हैं उन कॉलम्स के द्वारा भी एक प्रेशर एग्जर्ट होता है, और उस प्रेशर की वजह से जो नीचे वाला वाटर है उस पर ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, क्योंकि उसके ऊपर वाटर का कॉलम जो है वो ज्यादा है, और इसके ऊपर वाटर के कम वॉल्यूम होने की वजह से इस पर कम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से यह ज्यादा डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल नहीं करके लोअर डिस्प्लेसमेंट को ही ट्रैवल कर रहा है। सेम गैसेज की भी अगर बात करें तो गैसेज में भी सेम कहानी है, अगर उसकी भी कॉलम बनी हुई है तो कॉलम भी एक टाइप का प्रेशर लगाता है अपने लोअर ऑब्जेक्ट्स पर, जो उसके लोअर है। आप जानते हैं कि हमारे ऊपर ही एटमोस्फेयर है, 0 से लेकर 500 किलोमीटर के लेवल तक एटमोस्फेयर फैला हुआ है अलग अलग लेवल और अलग अलग लेयर में। जैसे जैसे हम लोग नीचे से ऊपर ऊपर की तरफ बढ़ते हैं डेंसिटी बढ़ता घटता चला जाता है, और सबसे ज्यादा नीचे डेंसर होती है, उसके बाद डेंसिटी उसका कम होता चला जाता है एक निश्चित सीमा के बाद।
तो एयर कॉलम के द्वारा भी एक टाइप का प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है ऑन द ऑब्जेक्ट्स लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, और इसी प्रेशर को हम लोग बोलते हैं क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और प्रेशर के बारे में बेसिकली आपको इतना ही पढ़ना है इस टॉपिक में। फिजिक्स के जो पहले टॉपिक था फोर्स एंड प्रेशर, जिसमें आपको हमने कल एक वीडियो बताया था, आज एक वीडियो में हमने आपको समझा दिया कि प्रेशर क्या होता है। इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, एनसीईआरटी का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है उसके नोट्स आज आपको क्लेवर स्टूडेंट ऐप में मिल जाएंगे। आप अपने एनसीईआरटी बुक को जरूर देखिए, उसके इंडेक्स क्वेश्चन और उसके जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको सॉल्व कीजिए। इफ यू गॉट एनी प्रॉब्लम तब हम लोग उस पर अगेन बात कर लेंगे, एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन पर हम लोग अगले सेशन में, एक अगले लाइव सेशन में हम लोग उस पर प्रत्येक क्वेश्चन पर बात कर लेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।